Assalamualaikum and good morning from Hunza once again. और यहाँ पे ना ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए दिन ब दिन जो है मेरी जैकेट्स वो भी मोटी होती जा रही हैं, बिकॉज ठंड से बचना पहली चीज़ है और बाकी चीज़ें एडवेंचर और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अच्छा खैर, अभी इससे पहले मैंने आपको शमशाल वैली दिखाई जो कि बहुत खूबसूरत थी। शमशाल वैली से हम वापस आए और जब आप कार्यक्रम हाईवे पे आ जाते हैं शमशाल वैली से, उसके बाद जो है पसू आता है, पसू के बाद हुसैनी विलेज है वो आता है, और हुसैनी विलेज के बिल्कुल साथ ही रास्ता जाता है बोरित लेक को। सो आज मैं आपको लेके जाऊंगी बोरित लेक, और बोरित लेक के साथ साथ एक ग्लेशियर भी है जहाँ पर हम जाएँगे। अच्छा, महबूब भाई ने आज भी हमें ज्वाइन किया और हमें गाइड भी करेंगे थ्रू आउट। महबूब भाई थोड़ा सा बताएगा कि अगर हम दूसरी तरफ से आएँ तो कौन कौन सी जो जगहें पहले आती हैं और फिर बोरित लेक आती है। अगर आप सेंट्रल उंजा वाली साइड से आप आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप करीमाबाद आएंगे, ठीक है, अलियाबाद करीमाबाद। उसके बाद जब आप अताबाद लेक आएंगे, टनल क्रॉस करके आप अताबाद लेक आएंगे, उसके बाद आएगा आपका गुलमित, ठीक है, ठीक है, गुलमित वैली। गुलमित वैली के बाद आएगा आपका हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, जो हुसैनी गाँव में है, वहीं से हुसैनी गाँव से ही हुसैनी ब्रिज से, सॉरी, थोड़ा सा आप इस साइड पर आ जाएंगे ना एक दो मिनट की ड्राइव पर, तो आपके लेफ्ट पे ना रास्ता जा रही है बोरित लेक का। बोरित लेक का, ठीक है। और ये कितना सा रास्ता है? और यहाँ से मेन रोड से कराकोरम हाईवे से बोरित लेक तक 1.5 किलोमीटर का फासला। सही है, 1.5 किलोमीटर का, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा ही है, सही है, बस फिर चले। और उसके अलावा ये कि रोड भी अभी प्रॉपर बन रहा है, अच्छा, मतलब बिल्कुल इजी एक्सेस होगा, तो लोग आराम से बोरित लेक थोड़ा है ऑफ ट्रैक, लेकिन सही लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। बाकी ट्रैक पे चलते हैं तो फिर मैं आपको चलकर बताऊंगा। चले चलें जी, ऊपर चल के मिलते हैं। अच्छा, वैसे इसका ट्रैक इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आप देखें कि कंस्ट्रक्शन हो रही है इस रोड की, और यहाँ से तो बिल्कुल सीधा कर दिया है। ये देखें, ये सारे भी पड़े हुए हैं, सारे यहाँ पे लोग पीछे काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से जब तक आप लोग आएंगे तब तक ये रोड जो है बन चुकी होगी। अभी हम पहुंचे हैं बोरित लेक, ये बोरित लेक सामने, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अभी रुकेंगे नहीं। अच्छा। हम जा रहे हैं आगे ट्रैकिंग पे। पसू ग्लेशियर का ट्रैक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे उस ट्रैक को। यहाँ से हमें बाइक्स पे 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटा हमें लगेगा ग्लेशियर का वो जो ट्रैक है, ठीक है, उसमें 1 घंटे लगेंगे। फिर जब हम वापस आएंगे ना, फिर आपको लेक के बारे में मैं हर चीज बता दूंगा, बोटिंग करेंगे, क्याकिंग करेंगे, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। डन डन, ठीक है, बस फिर अभी निकलते हैं आगे। ठीक है, अभी निकलते हैं ग्लेशियर की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे, जहां तक बाइक्स आ सकती हैं, गाड़ियां आ सकती हैं, और इसके आगे ट्रैक है पसू ग्लेशियर का जो कि तकरीबन 1 घंटे का। तो अभी बाइक्स को करते हैं पार्क और ट्रैक को करते हैं शुरू। चले महबूब भाई।
जी ये जो नीचे आपको नजर आ रहा ना, ये फसू गांव है। अच्छा, ठीक है जी, सही सही। और ये फसू ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो जो लिंक रोड आ रही है ना वो आके ग्लेशियर टच कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्लीन आइस जो है ना वो थोड़ा सा आगे ट्रैक करके वो नीचे से नहीं हो सकता है, ऊपर ही आना पड़ेगा, ऊपर से बोरित से ही आना पड़ता है। सही सही, मतलब ग्लेशियर का जो पसू ग्लेशियर का वो रास्ता है, जो ट्रैक है यही है, यहाँ से आप आगे जाके। तो पसू जो है मेन विलेज ही, हमें केकेएच पे नहीं मिलता कार्यक्रम, केकेएच ही है ना, वो सामने आपको नजर आ रहा है कराकोरम हाईवे। अच्छा, वो जो गुजर है मेडिकल, सही सही जी जी, बिल्कुल वो कराकोरम हाईवे ही है, ठीक है। ये पसू गांव है। चले यहाँ पे कुछ टाइम हम रेस्ट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। सही है, ये रेस्टिंग पॉइंट ही बना है। यस यस यस, बिल्कुल ऐसा ही, बेहतरीन है। वैसे अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्टिंग पॉइंट इस तरह से बनाया। ये वो ट्रैक है ना जहाँ से मैं कह रहा था 3 डेज का है, शिशपर पीक, ठीक है, पसू पीक 1-2, सही सही, ठीक है। इनके बेस टच कर लेते हैं हम यहीं से ट्रैक करके ना। अच्छा अच्छा जी, फर्स्ट हम जाते हैं फसूगर, फर्स्ट कैंप जो हम करते हैं फसूगर में करते हैं, इसी साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम ग्लेशियर क्रॉस करते हैं दूसरी साइड पे, सही निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेकंड कैंप होता है, लजदुर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लजदुर से हम फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ना, मतलब थर्ड डे हम जाके टॉप पे पहुंच जाते हैं, 4,700 मीटर हाइट पे ना, आपके सराउंडिंग में जितने भी पीक्स है ना, ठीक है, 7,000ers सारे नजर आते हैं। अच्छा, टॉप से ना जो लास्ट कैंप करते हैं, जी जी जी, 4,700 पे जब हम कैंप करते हैं ना, फिर वहां से हम बटोरा उतरते हैं, ठीक, बटोरा भी करके वहां से फिर फसू, फसू फिर से और फिर फसू पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर फसू पहुंच जाते हैं, फसू जो वैली नहीं है वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब मेन रोड पे आप पहुँच जाते हैं, कराकोरम हाईवे पे। वहाँ से फिर बटोरा का भी ट्रैक है, सही है, आगे यशपुर तक, फिर वो ट्रैक आगे जाके चपोरसन भी निकलता है, रामिंज गांव है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके ना वो टच कर लेता है, सही सही। बस एंडिंग जाके फसू विलेज जो है वहाँ तक। अच्छा, ये जो है ना इससे आपके ग्रीन टी भी बनाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, देख ली, सही, इसकी ग्रीन टी बनाते हैं, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, अच्छी है, हाँ, इसके अंदर बीज है इसके। इसमें भी ना काफी दराड़े आई हुई है। अच्छा जी, जैसे आवाज नीचे स्लिप होके नीचे नहीं गिरा था, ये नीचे आप देख ले यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नजर आ रही है। तो इसके अल्टरनेट पे रूट ऊपर से बना है, ठीक है, मतलब इसमें खतरा है कि किसी भी टाइम ये गिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ग्लेशियर ज्यादा पिघलने की वजह से ना, ठीक है, ये चीजें हो रही है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये आप पूछ रही थी ना,
ये जो माल मवेशी के साथ नहीं आते हैं, हाँ जी, वो यहाँ पे ना अपने लिए फिर चाय वगैरह बनाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे चूल्हा टाइप बना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया, इधर से ऊपर को जाना जी, यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया, ग्लेशियर की तरफ, और कुछ टाइम में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे ग्लेशियर ना। ऑलराइट, दस पंद्रह मिनट में इंशाल्लाह हम ग्लेशियर के ऊपर होंगे। अच्छा, सही है, सही, करीब ही पहुंच गए हम, बस तकरीबन करीब ही है। यहाँ ये थोड़ा सा मिट्टी है ना सारा, यहाँ पे थोड़ा सा आप स्लिप भी हो जाएंगी, उसका इशू नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है। Have reached to Pasu glaciers. आपको मेरे पीछे actually बड़ा खूबसूरत सा Pasu glacier नजर आ रहा होगा, and actually it's a white glacier, है ना? जी जी, Pasu glacier है और clean ice है। आप ये सामने देख सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल easy track है। हाँ जी। अगर Borik Lake से आप होके आते हैं ना, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल में एक घंटा एक घंटा मुझे लगता है एक घंटे से भी कम लगा है। एक घंटा लग जाता है, तकरीबन एक घंटा लग जाता है। आप आके ये प्यारा सा व्यू आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखी है, बिल्कुल ऐसी है। उसके अलावा जो हमारी डोमेस्टिक आती है ना, वो ये चीजें मिस करके जाते हैं। जो फॉरनर्स आते हैं वो लाजमी ये एरिया ना टच करके जाते हैं, जिनसे आप मिले भी है अभी रास्ते में, बल्कि बहुत सारे फॉरनर्स भी मिले हैं और हमें यहाँ का कोई भी लोकल बंदा आता हुआ नहीं मिला है। तो जब भी आप आए खुंजा पास लाजमी जाएं, जिन जिन जगहों पर जाना चाहते हैं लाजमी जाएं, लेकिन जब आप खुंजा पास की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हुसैनी जो गांव है उसके पास ही कैरेक्रम हाईवे से Borik Lake का रास्ता जाता है, और Borik Lake से आगे आके आपको ये कह लेंगे Borik Lake से तकरीबन 10 मिनट का बाइक का या गाड़ी का रास्ता, और उसके बाद ये घंटे का ट्रैक कर उसके बाद आपको ये ग्लेशियर मिलता है। तो व्हेन एवर यू कमिंग टू हुंजा, डू विजिट दिस ब्यूटिफुल Pasu ग्लेशियर।
सो ग्लेशियर से तो हम आ गए हैं वापस, और जब हम केकेच कार्यक्रम हाईवे से ऊपर आ रहे थे, एज आई टोल्ड यू कि रास्ते में आती है बोरिथ लेक, तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं बोरिथ लेक और बाइक्स वाइक्स हमने कर दी हैं पार्क। ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से, कितने तकरीबन है ये, 1-1.5 किलोमीटर ऐसा ही है केकेच से। तो यहाँ पे अभी चल के मैं आपको लेक भी दिखाऊंगी, और एक्चुअली मजे की बात ये है कि आज का जो हमारा स्टे है वो भी यहीं पे है, साथ ही बिल्कुल होटल है, और आई विल ट्राई कि मैं आपको होटल्स के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि जब भी आप आएँ तो आपके लिए वो भी आसानी हो कि आपने रहना कहाँ है। सो अभी चलते हैं लेक की तरफ। लेक की तरफ बिल्कुल। और लेक में क्या वैसे हम करने वाले हैं आज? स्विमिंग तो करा नहीं सकता हूँ। हाँ, टाइम बहुत है ये देखे भाई, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ना एक्टिविटीज कुछ कर ले। चलिए सही भाई, कुछ करते हैं लेक पे जाके। ओके, ये लेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी। नेचुरल लेक है, 800-900 साल पुरानी है। अच्छा। इसमें इन आउट नहीं है, अंदर से स्प्रिंग है। ना पानी आ सकते, ना ना, ऐसा ही है। सही। अंदर से स्प्रिंग है और बहुत ज्यादा सॉल्टी है। हाँ, मतलब हम तैर भी सकते हैं। हाँ, अगर मौसम ठीक होता ना तो डेफिनेटली हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको पता ठंड स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो अभी स्विमिंग नहीं, हवा ऐसा ही है, स्विमिंग नहीं, लेकिन कयाकिंग हम जरूर कर लेंगे। अच्छा, कयाक चला लेंगे। डन डन। तो मुझे तो नहीं आता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिखा देता हूँ। बस सही है, फिर मैं पहले सीखूंगी और उसके बाद फिर मैं कयाक जो है ना उसको चलाऊंगी। अच्छा, तो ये अब हम करने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है कि आग में बैठने से पहले हम लाइफ जैकेट्स पहनेंगे। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। ये पेडल्स, ठीक है, आपने पेडलिंग करते जाना है, सिर्फ अच्छा। इसके ऊपर आपने बैलेंस रखना है, सिर्फ बैलेंस रखना है, बॉडी नहीं हिलानी ज्यादा, बॉडी ज्यादा नहीं हिलानी, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, आप आ जाए, हाँ ठीक, हाँ हाँ आ जाए, आ जाए, बैठ जाए ऐसे। ये तो बैठने नहीं वाला। अच्छा, ओके, ठीक है, नाउ दिस एंड हैव टू बैलेंस इट एज वेल। एक मिनट, मैं भी आ जाता हूँ साथ में, ठीक है। राइट पे पेडल कर दे, राइट, ठीक है, अब लेफ्ट पे कर दे, लेफ्ट पे, अब राइट पे कर दे, अब लेफ्ट राइट करते आ जाए और यूं स्ट्रेट ले आएगा हम। ऐसा ही है, सही है, आ जाए। ओके, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, पेडल बोर्ड से बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, पेडल बोर्ड में एक्चुअली पैर थक जाते हैं, थक जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी है, इसमें फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, सही है, आसान है, बस थोड़ी सी इसकी टेक्निक है, वो सीख जाए तो आसानी से आप कर सकते हैं। सही, अभी तो मिड में जा रहे हैं इसके। अच्छा, इसकी गहराई कितनी होगी? मिडिल में जाके इसकी डेप्थ है 70-80 फीट। अच्छा, मिडिल में, मतलब लाइफ जैकेट जो है ना वो कंपल्सरी है, लाजमी है। नवंबर में जाके ना ये सारा फ्रीज हो जाता है। अच्छा जी, इसके ऊपर आइस स्केटिंग करते हैं। ठीक है, हां, लोग फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल भी खेलते हैं, वाह, यहां के जो लोकल्स है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं खुद बाइक राइड करता हूं इसके ऊपर। क्या बात है, सही है, सही है। और
यहाँ पे आपको डक्स भी नजर आ रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे ये माइग्रेटेड डक्स हैं। माइग्रेटेड डक्स हैं, साइबेरियन डक्स, साइबेरियन डक्स माइग्रेट करके आते हैं। सही। और इस लेक के सराउंडिंग में ना 250 काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं। ऐसे ही। और आइबेक्स सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं विंटर में, सही है। तो मतलब विंटर में भी यहाँ पे आया जा सकता है और एक्टिविटीज भी की जा सकती है। जुलाई अगस्त में जी जी स्विमिंग कंपटीशन होती है यहाँ पे, क्या बात है। और इसके अलावा आप ये कैकिंग कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी दूसरी बोट्स हैं वो भी, बाकी दूसरी बोट्स हैं, पेडल बोट्स हैं। अच्छा, व्यू इतना खूबसूरत है, आपको चारों तरफ सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिल रहे हैं, एक तरफ आपको जो है वो पथरीले पहाड़ मिल रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ी और इसके अलावा यहाँ पे वैली है छोटी सी, आई गेस है ना, बिल्कुल आगे है ना वैली भी, बिल्कुल ये गांव है ना, बिल्कुल करीबी गांव है। और आजकल तो क्योंकि ऑटम है और ऑटम खत्म होने वाला है, बल्कि बर्फबारी शुरू होने वाली है अभी, इसी मौसम का जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हवा चल रही है ठंडी, और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इस हवा का भी मज़ा आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने उसको पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, सारा अच्छी तरह से कवर अप किया हुआ है। लेकिन ये बहुत ही पुरसकून जगह है, कोई शोर नहीं है, कोई शराबन नहीं है। तो ट्रेन हो गया एकदम, लेने राइट वाला करते हैं, राइट वाला। हाँ जी, उधर लेफ्ट लेफ्ट कौन है ना, हमने राइट 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 हाँ जी करते जाएं जी 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 करते जाएं। हाँ जी हाँ जी सही है, करते जाएं, राइट पे करना है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी राइट पे करना, हाँ ऐसा ही है, राइट पे करेंगे तो लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे करेंगे तो राइट पे होगा। अभी लेफ्ट भी करते हैं साथ में, लेफ्ट राइट दोनों कर दे। मेरे दिल नहीं भरा, बेहतरीन पैडल करते हैं आप, लेफ्ट पे पैडल करते हैं, बहुत मजा आया। नहीं, मेरा पैडलिंग करने को अब दिल ही नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है ये बस ऐसे रुकी रहे और मैं अंदर सुकून से बैठी रहूं। करते करते लेफ्ट पे पैडल करते रहे। जी 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 अभी हम हवा के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा जोर लगता है मेरे इसमें, कोई बात नहीं। सही है, तो आप कह रही हैं कि एक्सपीरियंस ये रहा जबरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, ऐसे पुरसुकून सी जगह है और इस तरह की जगह पे कैकिंग करना इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। कर दे लेफ्ट पे। मैं तो अब जब भी बोरित लेक आऊंगी ना, मैं कैकिंग तो लाजमी करूंगी अब। It is such an amazing experience. बहुत मजा आया। Whenever you guys come to Borith, do enjoy this kayaking. नहीं नहीं back pedal कर दे, back pedal कर दे। लेफ्ट ही कर रही है। पानी को आगे पुश कर दे। पानी को? आगे को धकेलते ना। आगे को? हाँ ऐसे कर दे। मैं आ रहा हूँ। फंस गई एक्चुअली ना, आपसे मैं बात कर रही थी उस चक्कर में यहाँ पे बोट फंस गई। महबूबा इज हेल्पिंग और मेरी बोट इसको मैं टो भी करके लेके जा सकता हूँ जो है ना बाहर। ओहो लेफ्ट को कर रहे हैं, लेफ्ट को ताकि राइट को हम निकले। राइट right.
वापस ही कोशिश कर रहे हैं आने की। नहीं नहीं, राइट 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 करते रहे करते रहे करते रहे, सही है। हाँ ऐसे आ जाए, अब लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। वी फाइनली हैव रीच्ड, और ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस रहा है, खास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्दियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। इतनी तेज हवा में, इतनी पुरसकून जगह पे, पहाड़ों से गिरी हुई एक झील, और आप अकेले वहाँ पे बोट चला रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। अच्छा, अभी कैब तो मैंने कर ली, और अभी क्योंकि मुझे चेक इन भी करना है, आई एम गोना गो इनसाइड। और उसके अलावा मुझे एक्चुअली यहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो होटल के बारे में, हु इज प्लेइंग, बट आई गेस आई शुड गो एंड चेक कौन म्यूजिक बजा रहा है, कौन बजा रहा होगा। वैसे चल के देखते हैं, चल के देखते हैं, चल के देखते हैं। चले सही है, वहीं पे जाके ही पता चलेगा कि हाँ, वहीं पे जाके पता चलेगा। अब यहाँ से उठना कैसे? एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये बोट को पकड़ेंगे। ये जो आप नीचे कह रही थी ना कि कैसे म्यूजिक की आवाज आ रही है, ये हमने आपके लिए सरप्राइज रखा था। जहाँ हमने आपका स्टे रखवाया है ना, ठीक है, ये उनका ओनर है, बड़ा जबरदस्त सिंगिंग करता है। तो अभी हम आपको, मैं आपको ना उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ, सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आप म्यूजिक बजा रहे थे। जी, आपके म्यूजिक के नीचे आवाज आ रही थी, बहुत खूबसूरत म्यूजिक बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच। एज ए हॉबी, मैं हाँ बचपन से मैं प्ले कर रहा हूँ कीबोर्ड और काफ़ी दूसरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ। और ये बोरी तीन होटल, इसको मैं रंग कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। सही जी, वही तो मुझे हैरत हुई जब मैं मुंबई ने बताया कि ये जिधर हम स्टे कर रहे हैं इसके ओनर भी और म्यूजिक बजाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है। तो बस हॉबी शौक के लिए कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, शौक के लिए। और मेरे जितने गेस्ट आते हैं वो भी काफी एंटरटेन होते हैं। अच्छा, भी एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ना कि यहाँ पे लेक है और फिर साथ में म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, और फिर जगह इतनी खूबसूरत आपका। जी बिल्कुल, जो रेस्ट हाउस है, होटल है, वो जबरदस्त बेहतरीन है। तो मैं अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करूँ कि कुछ प्ले कर दें, तो कैन यू प्ले इट? मैं जो प्ले कर रहा था उसी को मैं कंटिन्यू हमारा लोकल मैं कोशिश करूँगा। जी जी, शाहिद अख्तर कलंदर उनकी कंपोजिशन है, हमारे जाके आर्टिस्ट हैं। सही सही, मैं
बहुत मजा आया। आप इतना खूबसूरत म्यूजिक बजाते हो तो इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने, सिर्फ इसको हॉबी के हद तक क्यों रखा है? बिल्कुल, 2007 में मैं लाहौर गया एनसीएम टेस्ट देने। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे डिसहर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान में म्यूजिक का स्कोप इतना नहीं है। अच्छा। मुझे बताया गया, खैर मेरी गलती। और उसके बाद दो दिन बाद मैंने टेस्ट में अपीयर होना था। अच्छा। लेकिन मैं हुआ नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद आया और मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडीज कंप्लीट की। अच्छा, आपने टेस्ट ही नहीं दिया? टेस्ट नहीं दिया, दो दिन बाद मैं अपीयर होना था लेकिन मैं अपीयर नहीं हुआ। माई बैड लक। और चले कोई नहीं, हर चीज में बेटे ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है कि मुझे, बट इट्स रियली अमेजिंग कि आप अभी इस हॉबीज को कर रहे हैं। तो अगर आप अभी कुछ और भी साथ में सुना दें तो? जी जरूर। आपको भूख भी लगी होगी? ये तो है क्योंकि पूरा दिन हो गया तो ऑब्वियसली दैट। चलिए प्लीज मैं आपको अपने होटल का, रेस्टोरेंट का, किचन का मैं विजिट करा। लाजमी किचन का? जी किचन। अच्छा, आई कैन गो? यस यू कैन। सही है, बेहतरीन है। आई गो। चलो। बहुत अच्छी आ रही है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद एक्चुअली हमारा ग्रुप चेक इन होगा। अच्छा। तो उनके लिए हम ये खाना रेडी कर रहे हैं। अच्छा। ये कितने लोग हैं? ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ज्यादा खाना बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 32-35 लोग। 32-35। जी। अच्छा। हमारे शेफ अमजद हुसैन कुक कर रहे हैं और सद्दाम इनके असिस्टेंट, तो ये खाना बन रहा है। तो मैं शेफ से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अगर आप मैडम को टेस्ट करा दें। हाँ हाँ, प्लीज, आई वुड लव टू। आपने लाहौर कराची के खाने टेस्ट किए होंगे तो आज हमारी कढ़ाई भी टेस्ट कर लें। तो शेफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा मैडम को टेस्ट करा दें कढ़ाई। टेस्ट करते हैं जी। डेफिनेटली अच्छा होगा सर। अच्छा, ये कढ़ाई है? जी, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। बहुत मज़े की है ऑनेस्टली। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपने टेस्ट कराई है, इस वजह से ऑनेस्टली बहुत मज़े की। अच्छा, और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है हुंजा की? हमारे लोकल डिशेज में मोस्टली गेस्ट जो आते हैं वो छपशुरो। जी, छपशुरो, और साथ में होइलो गरमा, होइलो गरमा, बुरुस रपिक,
हम ब्रूस बेरिकस भी बोलते हैं, वो है। अब ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती। हाँ, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये छपशरो क्या है। छपशरो एक्चुअली इसमें दो रोटी की लेयर्स होती हैं जिनके बीच में मीट, उसमें ऑप्शनल है आप चिकन, मटन, बीफ, अच्छा, साथ में अनियन, यॉर्क का भी हम करते हैं। एग्जैक्टली, यॉर्क का भी, जस्ट लाइक पिज्जा। अच्छा। लेकिन ये दोनों साइड से कवर होता है, दोनों साइड से कवर होता है, पिज्जा पे एक साइड पे होता है, दोनों साइड से सेम होता है। और सेकंड डिश जो आपने बताई वो क्या है? उसके बाद है होइलो गर्मा। होइलो गर्मा जो गर्म चीज ही लग रही है मुझे। नहीं, ये हमारे हुंजा में मोस्टली ज्यादातर घरों में बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा। ये वेजिटेबल है, इसमें पालक और साथ में रोटी। अच्छा। रोटी हम इसमें तवे पे नहीं पकाते, बल्कि पालक या जो सालन है उसके ऊपर हम दम देके उसमें पका के मिक्स करके खाते हैं। अच्छा, मुझे इससे समझ नहीं आई, लेकिन सुनने में अच्छी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अच्छा, हम किसी दिन इंशाल्लाह आपको नाज़नी, आई वुड लव टू। अच्छा, और उसके बाद थर्ड डिश भी आपने कोई कही थी, ब्रूस बेरिकुस। ब्रूस बेरिकुस वो भी इसको मोस्टली होंगे लोग चीज चपाती बोलते हैं। चीज चपाती, जी, चीज चपाती। ये जो हमारा लोकल चीज़ है जो हम लस्सी से बनाते हैं चीज़, वो और लस्सी से चीज़ बनाते हैं। जी, लस्सी को पका के। वाह, अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली चीज़ जैसा नहीं होता, हम उसको अपनी ज़बान में ब्रूस बोलते हैं। ब्रूस, जी, ब्रूस। इसीलिए कुछ और भी कहा था आपने, ब्रूस शपिक। शपिक मीन्स रोटी। अच्छा, ब्रूस। हाँ, एक ब्रूस और दूसरा शपिक। शपिक मीन्स रोटी। रोटी के ऊपर ब्रूस लगाते हैं हम। ब्रूस में फिर ऑनियन, कोरिएंडर और मिंट, ये मिक्स करके फिर वो भी उसके साथ एप्रिकॉट या आलमंड ऑयल। अच्छा, एप्रिकॉट या आलमंड ऑयल, ये तो सुनने में ये भी बड़ी टेस्टी लग रही है। अच्छा, आपने अपनी डिशेस तो बता दी हैं, अब मुझे बताएं आपने देसी खाने खाया, हमारे पंजाबी खाने, आपने साग खाया है? एग्जैक्टली, साग, कड़ी पकौड़ा, दाल चावल, वाह, हलवा पूड़ी। आपको तो सब पता है पंजाबी खाने में। चले, आपको तो पता है, लेकिन मैंने आज काफी सारी नई डिशेस सीखी है। कैन आई डू वन थिंग? Yes, मैं आपके साथ किचन में थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ, इससे मुझे थोड़ा वो आपकी जो डिशेज उनका भी पता चल जाएगा। थोड़ी सी हेल्प नहीं, बल्कि आपको शायद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा ग्रुप चेक इन हो रहा है, हमने 30-35 सभी रोटियां बनानी है। अच्छा, तो रोटियां बना जी। मुझे लगता नहीं कि मैं सारी रोटियां बना पाऊंगी, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो करूंगी। सो अभी इनकी हेल्प करते हैं ताकि इनकी जो गेस्ट आए उनको खाना भी टाइमली सर्व हो जाए, और उसके अलावा जो है, बिकॉज आई एम वेरी मच टायर्ड, खाना बनाने के बाद खाना खाना है और फिर उसके बाद रेस्ट करनी है। सो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। महबूब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह विजिट कराते हैं। आज आपने बोरी लेक दिखाई, बहुत खूबसूरत थी, वहाँ पर हमने कैंपिंग की, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा हम पस्सू ग्लेशियर गए, दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपको लाजमी जाना चाहिए, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक बजाते हैं, मज़ा आ गया। अभी रात में हम लोग वापस बैठेंगे, बॉनफायर भी करेंगे, विल ट्राई टू डू दैट। सो यस, सो वी हैव अ लॉट टू डू इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं, क्योंकि आई हैव टू से गुडबाय टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर प्रोग्राम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ अस्लम।